दोस्तों अगर कॉमेडी फिल्मों की बात आती है तो हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी, इन दोनों फिल्मों का नाम जरूर आता है, क्योंकि दोस्तों दोनों फिल्में एक अलग ही लेवल की हैं, जिसमें एक अलग ही लेवल की कॉमेडी हमें देखने को मिलती है। दोस्तों कॉमेडी फिल्मों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा होता है ना, अगर आदमी का मूड ऑफ है तो अगर देख ले तो उसका मूड ऑन हो जाता है, यानी कि एक अलग ही फीलिंग आती है। तो इसी में से एक है हेरा फेरी की फ्रेंचाइजी, फिर हेरा फेरी और हेरा फेरी। दोनों फिल्में अगर आपका मूड ऑफ है जिसको देखने के बाद आप रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी कॉमेडी, इतनी भर भर की कॉमेडी हमें देखने को मिलती है ना कि इंसान हंसे बगैर नहीं रह सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें तो इन दोनों फिल्में मुझे काफ़ी पसंद आती हैं। मैंने तो इन दोनों फिल्मों को, हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी को, मैंने मोबाइल में बहुत बार देखा है और हर बार मैं इंजॉय करता हूं। अगर टीवी पे भी आती है तो उसको मैं मिस नहीं करता हूं, फिल्म को जरूर देखता हूं। तो दोस्तों पर्सनली मुझे हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी दोनों फिल्में बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। और दोस्तों ऐसे में अगर देखा जाए तो फिल्म के थर्ड पार्ट को लेकर के सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी चर्चाएँ आए दिन हमें सुनने को मिलती रहती हैं। हालाँकि इस चीज़ का अनाउंसमेंट तो बहुत कई साल पहले कर दिया गया था, लेकिन दोस्तों ऑफिशियली इस बात को लेकर के अब अपडेट आ रही है कि हेरा फेरी 3 हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लें। दरअसल इस फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नडियाडवाला ने इस बात का खुलासा किया कि हेरा फेरी 3 बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी ऑडियंस को, क्योंकि दोस्तों अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल जी को लेकर के इस पर काम शुरू कर दिया गया है कि किस प्रकार की स्टोरी होगी। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिल्म का अनाउंसमेंट हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, यानी कि प्रोड्यूसर की तरफ से इस बात का खुलासा कर दिया गया है कि फिल्म का अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द होगा ऑफिशियल तरीके से। अगर दोस्तों अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल जी के अलावा इस फिल्म में किसी और को कास्ट किया जाता है तो वो मजा नहीं आएगा, ऑफिशियली मजा किरकिरा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि बाबू भैया जो परेश रावल जी बने हैं, उसके बाद श्याम, राजू, तो दोस्तों इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही कमाल का है। तो अगर दोस्तों इन तीनों स्टार्स में से, यानी कि जो तीनों कैरेक्टर, जो किरदार है, अगर इसमें कोई चेंज किया जाएगा तो ऑफिशियली मजा खराब हो जाएगा, मजा तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो वैसे में मेरा मानना है कि हेरा फेरी 3 में इन तीनों स्टार का होना बहुत ही जरूरी है, उसके बाद ही ये फिल्म धमाल मचाएगी। दोस्तों क्या आपको पता है कि साल 1989 में आई मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग का हिंदी रिमेक है ये फिल्म हेरा फेरी, जो कि साल 2000 में आई थी। और दोस्तों मेरा मानना है कि अगर इस फिल्म पर अच्छे तरीके से काम किया गया, फिल्म की स्क्रिप्ट और फिल्म का डायरेक्शन वगैरह, स्टोरी पर अच्छे तरीके से काम किया गया तो ये फिल्म धमाल मचाएगी, अच्छी खासी कमाई करेगी। फिलहाल दोस्तों इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, हेरा फेरी 3 के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, फिल्म के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।